स्वागत है आप सभी का आज के मौसम समाचार में। तो चलिए जानते हैं देश के सभी राज्यों में अगले आने वाले 24 से 48 घंटों का मौसम का हाल है, कैसे रहने वाला है, यानी कि कहां पर बारिश होने वाली है और कहां पर आंधी तूफान को लेकर और भारी सर्दी को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और अन्य राज्यों में मौसम का हाल। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए जानते हैं कैसे रहने वाला है आपके जिले के मौसम का हाल। आपको बता दें आज यूपी के इन 44 जिलों में येलो अलर्ट जारी, जानिए इस सप्ताह कैसा रहेगा मौसम। तो वही भारतीय मौसम विभाग IMD ने अगले सप्ताह शीतलहर के चलते न्यूनतम तापमान गिरावट की संभावना जताई है। IMD के एक अधिकारी ने कहा कि पश्चिमी विक्षोभ के चलते ठंड से राहत मिलने से पहले इस महीने की अधिकांश दिनों में उत्तर प्रदेश में उत्तर बड़े हिस्सों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया गया है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में यह गिरावट पिछले 10 से 11 दिन में सुधार जा सकती है। तो मैदानी इलाकों में घने कोहरे के चलते पश्चिमी विक्षोभ के चलते एक बड़े अंतर के कारण हुई है, जिसके चलते बर्फ से ढकी पहाड़ से ठंडी हवा सामग्री ने रविवार को यूपी के 44 जिलों में शीतलहर घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने बांदा, चित्रकूट, फतेहपुर, हापुड़, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उज्जैन, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमरोहा, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, हरदोई, नोएडा, बुलंदशहर, फरीदाबाद, इटौआ में येलो अलर्ट जारी किया है। तो वही इन जिलों में अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने अधिकारी ने बताया कि इसी क्षेत्र में बड़ी संख्या में जल निकाल और नदियों के कारण